गणेश जी की सबसे बड़ी रंगोली का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद आर्ट बसेरा क्लब की आरती खंडेलवाल के मार्गदर्शन में क्लब के बच्चों ने श्याम धाम मंदिर में 2000 स्क्वायर फीट में विशाल माता रानी सती की खूबसूरत आकर्षक रंगोली निकाली, जिसका आनंद सभी भक्तजन ले रहे हैं। शहर के आठ बसेरा ग्रुप ने कोरोना कार्यकाल से लेकर अब तक कई अच्छे काम किए हैं। श्री गणेश जी की सबसे बड़ी रंगोली निकालने के बाद आठ बसेरा ग्रुप की संचालिका आरती खंडेवाल के मार्गदर्शन में ग्रुप के छोटे बच्चों ने नंदनवन के श्यामधाम मंदिर में 2000 स्क्वायर फीट में आकर्षक रंगोली निकाली। नवरात्रि उत्सव में निकाली गई इस विश्व की रंगोली की सभी सराहना कर रहे हैं। इस रंगोली को साकार करने में सभी ने काफी मेहनत ली है। इस रंगोली से पूरा श्यामधाम मंदिर परिसर सराबोर हो उठा है। का एक ऐसा क्लब है जहां पर बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट कराया जाता है, मोस्टली राइट ब्रेन पर ध्यान दिया जाता है। अभी पूरे लॉकडाउन में जब सब शांत बैठे थे, हमारे टीम में स्टे होम स्टे एक्टिव का बहुत सारा अभियान चला, जिसमें हमने बहुत सारी एक्टिविटी की। अब हमने पहले अभी जब गणेश पूजा था तो हमने विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बना चुकी है, जो कि हर रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करा चुकी है। और अब हमारे बच्चों ने मिलकर, आठ बसेरा के बच्चे हैं यहाँ पर, नौ दुर्गा नौ बच्चियाँ और आर्टिस्ट ने मिलकर यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी 3D आर्ट डाली है, जिसमें 2000 स्क्वायर फीट में ये पूरी आठ है। और इसमें 3 दिन के अथक प्रयास से, बच्चों की मेहनत से हमने ये बनाया है। और यहाँ आप देख सकते हैं, बच्चे नारी के अलग अलग स्वरूप पर आए हैं। कोई डॉक्टर, कोई एडवोकेट, कोई पुलिसमैन, कोई सोल्जर, कोई टीचर। तो नारी तू नारायणी का हमने मैसेज दिया है, नारी सब कुछ कर सकती है। तो आप सभी को भी नारी का सम्मान करना चाहिए, यही मैसेज आठ बसेरा क्लब अपने बच्चों के साथ और आर्टिस्ट के माध्यम से आपको देना चाहता है। नंदनवन के श्यामधाम मंदिर से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मेरे, NBC News नागपुर।